से चली थी आज़ादी की आंधी, रहबर थे इसके मजहर वो गांधी, लड़े रात दिन हम था उनका इशारा, दिल है जहां का बिहार हमारा। अगर जिंदगी मिली है तो कुछ करना सीखो, हालात जैसे भी हो हालात से लड़ना सीखो, वक्त से पहले और मुकद्दर से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। फलक का सितारा, आंखों का तारा, दिल है जहां का बिहार है हमारा। नमस्कार, मैं नितेश, आप देख रहे हैं लोक ताकत। तभी हमारी मौजूदगी गोपालगंज जिले के एक छोटे से गांव फतहा में है। आप जिनको मेरे बगल में तस्वीर में देख रहे हैं, ये कोई मामूली शख्स नहीं है। अब इस टाइम ये बीपीएससी से चयनित होकर एक सरकारी विद्यालय में पढ़ाने का इन्होंने काम कर रहा है, शिक्षा देने का काम कर रहा है। हम इनके पास इसलिए आए हैं और हम इनसे आपको इसलिए रूबरू कराने आए हैं क्योंकि ये दोनों पैर से दिव्यांग हैं और इस दिव्यांगता को छोड़ते हुए अपने संघर्ष से कभी इन्होंने हार नहीं माना। और जो लोगों को लगता है कि हम इस काम को नहीं कर सकते हैं, मेरे से ये चीज़ संभव नहीं है, काफ़ी जब बीपीएससी एग्ज़ाम का जब नियम लागू हुआ शिक्षा विभाग के द्वारा कि बीपीएससी जब एग्ज़ाम लेगा तब शिक्षकों की चयनित की जाएगी, तो काफ़ी लोग इसका विरोध भी किए थे कि बीपीएससी का एग्ज़ाम टफ होता है, पता ना हम सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। उसी में के यह भी एक शख्स हैं, मुझे ऐसा बताया जा रहा है, ऑफ कैमरा बताया गया था, और काफ़ी लोगों का ऐसा कहना था कि ये बचपन से अपने परिवार से पैसा नहीं लेते हैं और अपने से खुद से स्ट्रगल करके अपना पढ़ाई किए इन्होंने और आज इस सफलता का मुकाम इन्होंने हासिल कर लिया है। बिल्कुल ये गलत नहीं है, संघर्ष यदि आप किए हैं और आपने यदि वाकई में मेहनत किया है तो कभी भी आपकी मेहनत बेकार नहीं होगी, कभी भी संघर्ष आपकी बेकार नहीं होगी। तो ऐसे हम व्यक्ति से रूबरू कराएंगे और इनकी ऐसी दिलचस्प वाली कहानी है कि आप भी इनकी इनकी जब कहानी सुनेंगे तो आपका भी दिल और दिमाग दहल जाएगा। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी देखने वाले हैं आप सबको तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। और मेरा नाम मोहम्मद शौकत अली है, जैसा कि सब ने बताया, और मेरा घर फतह है, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। और हाल ही में मैं सेलेक्ट हुआ हूँ इंग्लिश टीचर के लिए, ठीक है, बीपीएससी के एग्ज़ाम देकर। हाँ सर, जरा मेरे दर्शकों को अपने एजुकेशन के बारे में बता दीजिए, क्वालिफिकेशन आपका कहाँ तक? क्वालिफिकेशन मैंने इंग्लिश से मैंने पढ़ाई की है और मैं स्टूडेंट रहा हूँ अंग्रेज़ी का जी। और मैंने पहले ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद से एमए किया, एमए के बाद से फिर मैंने बीएड किया। बीएड का एंट्रेंस टेस्ट जो था उसको निकाले और उसके लिए भी हमको छपरा जाना पड़ा था, बहुत दूर तक जाना पड़ा था। और वो टेस्ट जब मेरा निकल गया तो टेस्ट के बाद से फिर मैंने बीएड में एडमिशन लिया और 2 साल बीएड कंप्लीट किए। बीएड के बाद से फिर मैं सीटेट किया और सीटेट के लिए मुझे गोरखपुर जाना पड़ा था, तो वहाँ से गोरखपुर से मैंने सीटेट किया, सीटेट को भी क्वालिफाई किए। लेकिन बिहार सरकार का एक नियम जो था वो बदल गया, जो 1 to 5 में सेलेक्ट हुए थे, ठीक है, उनका जो बीएड किया है तो वो इसमें नहीं, अचानक से रूल चेंज हो गया। फिर मैंने सीटेट के बाद से एस्टेट का फॉर्म भरा और एस्टेट किया, एस्टेट में क्वालिफाई किए और एस्टेट के बाद से फिर बीपीएससी आया तो मैंने फिर बीपीएससी भरा, तो यहाँ तक। और सब मेरे सबका, मेरे माँ बाप का, दोस्तों का साथ, सबकी दुआएं, जिसके वजह से आज मुझे कामयाबी मिली, बीपीएससी मैंने क्वालिफाई करके और इंग्लिश डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है गवर्नमेंट स्कूल से हुई है या प्राइवेट स्कूल से? अब जानते हैं बीपीएससी के थ्रू जो लोग सेलेक्ट होकर आ रहे हैं वो गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है उसमें शिक्षा। हाँ, आपकी शिक्षा प्राइवेट से हुई है या सरकारी से? नहीं नहीं, मेरे बचपन में जैसे कुछ स्टार्टिंग में जो था मैं तो प्राइवेट में कुछ दिनों तक पढ़ा, उसके बाद से मैंने सरकारी में पढ़ा है। यहाँ के मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे घर के पास एक एमएम उर्दू हाई स्कूल है, ठीक है, मैं यहाँ से मैट्रिक का इम्तहान पास किया था। मैट्रिक के बाद से फिर मैं वहीं पे बगल में एक उर्दू कॉलेज है, उर्दू कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया साइंस से, और इंटर के बाद से फिर मेरा ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हम कमला राय कॉलेज गोपालगंज से। ग्रेजुएशन करने के बाद से फिर मैं डीएवी गया सिवान, तो सिवान से मैंने एमए किया, ठीक है। और सर सबसे पहले बात यहाँ आती है कि आप दिव्यांग हैं और दिव्यांग होने के बाद आपकी किस तरह संघर्ष रही वो जरा मेरे दर्शकों को बताइए, और पहले के जीवन में और अभी के जीवन में क्या अंतर हो गया है? पहले आप मामूली से इंसान थे और घर रहते थे और अभी आप सरकारी शिक्षक हो गए हैं, तो पहले के ज़िंदगी में अभी के ज़िंदगी में क्या अंतर है? हाँ, अंतर अगर आप पूछ रहे हैं, बहुत बहुत बड़े अंतर है इसमें, इसलिए कि पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था। अच्छा। हाँ, डोर टू डोर मैं जाया करता था,
घर घर जाकर पढ़ाई घर 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 जाकर मैं पढ़ाया करता था। ठीक है, और संघर्ष के मतलब अपने मोहल्ले में जहाँ तक मैं जा सकता था, ठीक है, तो वहाँ तक। और क्लास के लिए मैं बहुत ज़्यादा संघर्ष किया हूँ, बनाया जाए तो एक लंबी कहानी हो जाएगी, तो मैं इसको शॉर्ट में करके चलता हूँ। मुझे याद है वो दिन जब मैं पैराडाइज में पढ़ा करता था साइंस से, तो मेरे पास साइकिल भी नहीं थी वो जाने के लिए। अच्छा। तो मैं यहाँ पे अपने दरवाजे पे बैठ जाता था रेडी होकर, और कोई इधर से जाते थे तो मैं उनके साथ चला जाता था। अच्छा। जैसे क्लास का टाइम है 2 बजे से क्लास है, या फिर उस वक्त क्लास 10 बजे से चला करते थे। फिर मेरा भाई जो था वो हाई स्कूल में पढ़ता था, मुझसे जूनियर था, तो हमसे मॉर्निंग में लिया कर छोड़ देता था वहाँ पैराडाइज में। फिर हम पढ़ लेते थे, फिर पैराडाइज करीब जो के चौधरी के सामने पहले हुआ करता था, और किसी अपने क्लासमेट के साथ आकर मैं वहाँ रुक जाता था बगल में, और वहाँ से मैं देखता था। वहीं पर इंतजार करते करते फिर शाम में 4 बजे छुट्टी होती थी, तो मेरे भाई के साथ आते थे, या फिर गाँव के कोई दिख जाता था रोड पर तो पहले मैं आ जाता था। ठीक है, मतलब एक क्लास करते थे फिजिक्स केमिस्ट्री का, उस क्लास के लिए फिर हमको पूरे दिन वहाँ रुकना पड़ता था। अच्छा। और ठीक है, तो ये संघर्ष और भी मतलब सबसे ज़्यादा हमको थोड़ा प्रॉब्लम होता था, एग्ज़ाम के लिए पटना भेज दिया कभी, एक बार हम फॉर्म डाले थे तो इलाहाबाद भेज दिया था, एक बार गोरखपुर, इन सारे चीज़ों में। लेकिन जिंदगी है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। उस टाइम आपको नहीं लगता था कि हम दिव्यांग हैं, मेरे को काफ़ी दिक्कत हो रहा है, छोड़ देनी चाहिए? अब ये सारे बातों को समेट कर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ज़िंदगी मिली है तो कुछ करना सीखो, हालात जैसे भी हो हालात से लड़ना सीखो। वाह, क्या बात है। अच्छा सर, ये बताइए कि आप अपने सफलता का श्रेय किसे देना चाहिएगा? अपनी सफलता का श्रेय मैं मेरी माँ की दुआएं हैं, बहुत। अच्छा। मेरी माँ की दुआएं हैं, मेरे अबू की दुआएं हैं। ठीक है, मेरे दोस्त जो है मेरे साथ में जो पढ़ाई किए वो मेरा काफ़ी साथ दिए, वो जैसे मेरा बैग लेकर जाना क्लास तक। अच्छा। हाँ, क्लास तक लेकर जाना, फिर क्लासरूम से बाहर मेरे पास तक लाना। कभी कभी बहुत सारे लोग हैं इनमें, साथ मेरे टीचर्स का भी है, मैं उनका भी जिक्र करना चाहता हूँ कि शुरू में मैं एक यहाँ चौराव गांव है वहाँ के चौराव वहाँ के एक टीचर हुआ करते थे, तो हमको पढ़ाए, मेरा गाइडलाइन भी स्टार्टिंग में दिए, रामानंद गुप्ता नाम है, अभी वो वकील हैं। अच्छा। ठीक है, उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया, पढ़ाए हमको। उसके बाद फिर एक उर्दू कॉलेज के डॉक्टर जाकिर हुसैन जकी हाशमी सर हैं, वो अभी कितनी बार जो मेरे पास साइकिल नहीं थी तो मैं कॉलेज किसी के साथ जाता था, लड़के कभी कोई आया तो छोड़ दिया हमको वहाँ तक, कोई नहीं आया तो, कितनी बार वो सर मुझे अपने साइकिल पर बैठा कर घर छोड़े हैं। कॉम्पिटिटिव कहीं क्यूज कम होता था कॉम्पिटिशन, उसमें भी वो लेकर गए हमको। ठीक है, वो किए। फिर एके गिरी सर हैं गोपालगंज टूनागिरी का जो घर है उन्हीं के घर के, वो हमको पढ़ाए हैं। उनके बारे में भी याद है मुझे कि उनका गेट बहुत दूर हुआ करता था, तो गेट में खोलने के लिए वो सर आते थे खुद, मैं चला जाता, फिर मैं सोचता था सर से कैसे बोलूँ कि मेरा किताब लेकर चलिए, फिर सर देखते थे फिर खुद किताब मेरा लेकर जाते थे। ठीक है, अभय गिरी पूरा उनका नाम है, उन्होंने भी मुझे इंग्लिश पढ़ाया। उसके बाद प्रिंस सर जो हैं ब्राइट के, ये भी कितने, हाँ इंग्लिश वाले, उनके पास भी मैंने पढ़ा है, और प्रिंस सर भी मेरा काफ़ी हेल्प किए उसमें। जैसे मेरा साइकिल उनका जो फाउंडेशन बना हुआ थोड़ा सा हाइट पे है, मैं साइकिल जो ट्राई साइकिल चला कर जाता था, तो कितनी बार लड़के नहीं आते थे उस पर ठेल कर चढ़ाना होता था। अच्छा। ठीक है, तो एक दो बार सर भी खुद हम मेरा हेल्प किए हैं, चढ़ाए हैं। ठीक है, तो मेरे और भी बहुत सारे टीचर हैं मेरे। ठीक है, तो इसमें मेरी सफलता में है मेरे टीचर्स का भी बहुत बड़ी हाथ है। ठीक है, तो उन लोग का भी मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। मतलब आपकी सफलता में सभी ने आपका संघर्ष देखकर आपका सपोर्ट किया? हाँ, संघर्ष मेरा देखकर मेरे साथ ही मेरे दोस्त जितने भी साथ में, तो वो सारे लोग मतलब बहुत साथ दिए मेरा। आपको ये लगा कि मुझे पेरेंट्स का सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए आपने कोचिंग पढ़ाना शुरू किया? अच्छा। पहले हाँ, पेरेंट्स के सपोर्ट के लिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। अच्छा। डोर टू डोर मैंने पढ़ाया, फिर उसके बाद क्लास के बच्चों तक पढ़ाते थे, ग्रेजुएशन तक पढ़ाते थे। ग्रेजुएशन तक ग्रेजुएशन तक बच्चों को। अच्छा। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन, बहुत कम लोग यहाँ करते हैं। हाँ। ठीक है, और तो मैंने वो देखे कि कभी एक लड़का, कभी दो, कभी ऐसा, तो मैं क्या किया कि उसको छोड़ने के बाद से फिर मैंने 10 और 10+2। ठीक है, तो इसमें मेरा सब्जेक्ट जो रहा है, मेरा सब्जेक्ट तो इंग्लिश है, मैं इंग्लिश तो पढ़ाता हूँ, उसके अलावा भी और जैसे सोशल साइंस भी हुआ 10th क्लास का, उसको भी पढ़ाते हैं, और मैं इसका उर्दू भी अच्छा पढ़ा लेते हैं। जब आपको डीएम साहब जब आपको नियुक्ति पत्र मंच पे जब सौंप रहे थे, उस वक्त आपसे डीएम साहब क्या बोले?
और डीएम साहब उस दिन बहुत ज्यादा बिजी थे, सारे लोग थक चुके थे। हाँ। ठीक है, मैं भी इंतजार कर रहा था और ऐसा बताया गया था कि सारे लोग का नियुक्ति पत्र जिनको मिला है हाँ। वो डीएम साहब के साथ फोटो खिंचवा कर उनसे मिलकर ही जाना है। हाँ। तो काफी भीड़ थी वहाँ पे। हाँ। तो मैं सोचा कि एक आदमी बोले हमसे कि आप फ्रंट से आप चले जाइए। हाँ। आपको कोई नहीं मना करेगा। फिर वो लोग बुला कर ले गए, उनके जो बॉडी गार्ड थे लो। हाँ। तो वो लोग ले गए, फिर हम गए ऊपर वहाँ। तो 15-15 आदमी का एक साथ फोटो लिया जा रहा था। तो डीएम साहब जब मुझे देखे तो डीएम साहब मुझे बुलाए और उन सारी भीड़ को रोक दिए। और रोकने के बाद डीएम साहब स्पेशल में और डीओ सर भी थे, स्पेशल ने मुझे अकेले फोटो खिंचवाए। ठीक है, और वहाँ पे वो लोग बोल रहे थे सर चेयर ला देते हैं। तो डीएम साहब खुद बोले नहीं कोई बात नहीं है, मैं इनका नियुक्ति पत्र पकड़ने के लिए मैं खुद झुक जाता हूँ। देखे थे वो आप? हाँ, देखे थे। हाँ, तो मेरे साथ डीएम साहब आपको झुक कर उसके बाद नियुक्ति पत्र। और डीएम साहब से मैं पहले भी एक दो बार मिला हूँ और बहुत ही अच्छे इंसान है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उसके अलावा भी मतलब बहुत अच्छे इंसान है और समझते हैं। ठीक है, उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन। जब आपका रिजल्ट मिला और जब आपका नियुक्ति पेपर जब मिला तो उस टाइम आपके दिल में कितनी खुशी थी? बहुत ज़्यादा खुशी थी। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे रिजल्ट से 2-3 दिन पहले मेरी माँ का बहुत सीरियस तबीयत खराब अच्छा। था। ठीक है, तो हम लोग हॉस्पिटल में थे। ठीक है, रिजल्ट के बारे में मैं नहीं सोच रहा था। अच्छा। 2-3 दिन बाद क्या हुआ कि हम लोग घर पे आए, वहाँ पे मेरी मम्मी आईसीयू में थी। फिर हम लोग घर पे आए, बैठे थे, रिलेटिव भी आए थे लोग, हम लोग बैठ कर बात कर रहे थे। तो 12 बजे से पहले सारे लोग बैठ कर बात कर रहे थे, मम्मी मेरी बोल नहीं रही थी, सोई हुई थी, बहुत काफ़ी सीरियस तबीयत खराब था। तो एक लड़का मेरा दोस्त है गोपालगंज का, वो कॉल किया, बोला कि मैंने रिजल्ट देखा, उसमें आपका नाम दिखा रहा है। अच्छा। ठीक है, हम बोले सच में नाम दिखा रहा है क्या? आपको यकीन हुआ? हमको यकीन नहीं हो रहा था। फिर बोला कि नहीं रोल नंबर आप देखिए। ठीक है, मैंने रोल नंबर मैच किया तो मेरा ही नाम था उसमें। तो बोला कि नहीं, वो बोला कि देखिए सर आपका रोल नंबर मैच कर रहे थे, ये आप ही का है। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। रात में मैं सोच रहा था क्या बोले, किससे कहे, मेरा भाई भी सोया था मेरे साथ, मेरी अम्मी भी थी वहीं पर। तो मेरा अपने भाई से हम बताए आराम से, फिर अम्मी से वो बताए आराम से, बताए वो भी आराम से। अच्छा। अम्मी को सोई हुई थी। ठीक है, तो अम्मी को अब पता ना क्या, अम्मी को इतना अच्छा लगा सारे लोगों को कि अम्मी कुछ देर बाद 10-15 मिनट बाद उस दिन तबीयत तो खुद उठ के हम लोग उठाकर उसको बैठाए। अच्छा। और रात में लगभग हम लोग का 1-2 बज गया और अम्मी खुद बात करने लगी। ठीक है, बात हाँ, उस दिन से मैं उस रात से भी बहुत ज्यादा मुझे भी खुशी है और मेरे मतलब अम्मी को भी खुशी हुई, फिर मेरे अब्बू भी खुश हैं, सारे घर के लोग बहुत खुश थे। ठीक है, लेकिन मैंने ये बात अभी अपने दोस्तों से फ्रेंड्स से शेयर नहीं किया। ठीक है, पहले के जिंदगी में और अभी के जिंदगी में काफी बदलाव हो गया है। काफी बदलाव है। मैं ये एक बात है कि वक्त से पहले और मुकद्दर से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये मेरे दिल में आया, मैं बोला कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं पढ़ाई करूँगा ईमानदारी से। ठीक है, जो कामयाबी है वो ऊपर वाले के हाथ में है, जब इसका वक्त आएगा तो मिलेगा। ठीक है, हाँ, पहले संघर्ष है, तो मैं अपना संघर्ष जारी रखा और बस मेरी माँ की और दुआएं और दोस्तों के साथ और आज कामयाबी मिली। क्या लगता है कि यदि ईमानदारी से कोई भी छात्र ईमानदारी से मेहनत करे तो उस सफलता पा सकता है? हाँ, एकदम अगर कोई भी छात्र हो कहीं भी, ठीक है, चाहे जैसे भी हालात हो, देखिए हालात देखा जाए तो हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं और जितने लोग हैं किसी न किसी को कुछ ना कुछ तकलीफ है। जी बिल्कुल, वाकई में इनकी जो कहानी है वो बहुत ही मिसाल है। इनकी संघर्ष की कहानी कितना भी बताया जाए वक्त कम पड़ जाएगा और इनकी संघर्ष की कहानी वाकई में बहुत ही मिसाल है। और जब ऐसे व्यक्ति जब सफलता पा सकते हैं और ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, क्या सर? हाँ, एकदम, मैं यही कहना चाहता हूँ फिर से कि अगर आप हिम्मत रखते हैं और हौसला बड़ा रखते हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप जहाँ भी जाना चाहे, जो करना चाहे, ईमानदारी से करें, पूरे हौसले के साथ करें, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। आप ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। सर, आपने एक बात बोला कि मैंने संगीत का भी पढ़ाई किया है और शायरी भी मैंने सीखा है, तो जरा कुछ शायरी सुनाइए छात्रों के लिए। छात्रों के लिए मैं बिहार से अपने जो मेरे CM सर हैं माननीय नीतीश कुमार सर, बहुत उनसे इम्प्रेस हूँ और अच्छा काम किए हैं इसमें, सारे लोग बहुत खुश हैं। मैं एक बहुत पहले मैंने लिखा था बिहार के बारे में जी। फलक का सितारा, आंखों का तारा, दिल है जहाँ का, बिहार है हमारा। ठीक है, ये है उसमें। फिर मैंने जो उसका
अंतरा है, अंतरा मैंने उसमें लिखा था, यहीं से चली थी आज़ादी की आंधी, रहबर थे इसके मजहर वो गांधी, लड़े रात दिन हम था उनका इशारा, दिल है जहां का बिहार हमारा। वाह क्या बात है सर, वाकई में बहुत ही शानदार आदमी है, और इसी का आज परिणाम है कि इन्होंने ईमानदारी से मेहनत किया है जिसके वजह से इन्होंने सफलता पाई है। शरीर का कोई अंग खराब हो, अंग कोई काम ना करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी भी अपने हौसलों से हार नहीं माननी चाहिए। हाथ पैर काम ना करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिमाग काम कर रहा हो तो आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से आप हार नहीं मान सकते हैं। तो इनकी वाकई में काफ़ी जो कहानी है बहुत ही मिसाल है, आप इनसे प्रेरित होते हैं इनकी कहानी से, आप क्या कुछ सीखते हैं अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द।